जाने माने तेलुगु एक्टर रवि तेजा की एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफी हंगामे मचा रही है, लोगों को सहमा रही है। दरअसल तस्वीर में हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए नजर आए हैं एक्टर रवि तेजा। अस्पताल की फोटो बताई जा रही है जिसमें उनके दाहिने हाथ से खून बहता नजर आया, माथे और मुंह पर पट्टियां बंधी नजर आई, सीने पर भी बहुत सारे तार लगे नजर आए। फोटो में रवि के बगल में तीन डॉक्टर्स भी खड़ी नजर आए जो कि उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब आपको बता दें, इंस्टा पेज पर रवि की ये तस्वीर सामने आई है, मोविफाइड साउथ के नाम से जो पेज है उस पर। अब रियल है या फेक ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चार दिनों पहले ये खबर ज़रूर आई थी कि रवि अपनी अगली फिल्म RT75 की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए हैं। मसल टियर की सर्जरी भी उन्होंने कराई थी, कन्फर्मेशन थी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी थी। इस पर रवि ने भी ट्वीट किया था और अब ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। हालांकि अपडेट देते हुए रवि ने कहा कि हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल गई है और अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।